एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे ही होंगे। क्या बन रही है दाल? हाँ, एंड मैं ना जस्ट अभी नहा करके आई हूँ, अपना व्लॉग मैं अभी से स्टार्ट कर रही थी। बहुत ज़्यादा मेरा फेस डल हो चुका है, मुझे लग रहा है अच्छे से ना कुछ क्लीनअप वगैरह मुझे लेना पड़ेगा। कर रही थी आई जस्ट शो यू कि जो कुछ ऐसी बैग में से चीज़ें निकाल करके ना हमने यहाँ कबर्ड में रख दिया था, बट अभी एक्चुअली में हमें लगाना तो था, कपड़े वगैरह सेट करने थे, बट न्यूज़पेपर हमारे पास नहीं था। एंड मुझे ना पता नहीं, मैं फंसने अपनी बात बताऊँ तो मुझे विदाउट न्यूज़पेपर, बिना किसी पेपर या फिर पन्नी वगैरह के ना मुझे कबर्ड में रखना कुछ भी कभी भी अच्छा नहीं लगा है। सो इसीलिए ना मैं सोच रही थी कि कुछ मिल जाए, तो अभी नहीं मिल पा रहा था, तो हमने सोचा कि चलो पन्नी थी मेरे पास, पन्नी मतलब जो सामान आता है ना उसकी पन्नी थी, तो वो मैं फाड़ करके फिलहाल के लिए काम कर रही हूँ। ये देखो, चलो करते हैं, दिखाते हैं, शेयर करते हैं आपके साथ भी। अभी टॉवल थी जो कि नहीं लगाना चाहिए इस पर बालों में, बट ना अभी आप लोगों को पता ही नहीं है, दैट्स वाई मैंने लगा लिया था, बट नहीं अभी नहीं लगाना है। सो मैं इसको करती हूँ ओपन एंड मैं स्टार्ट करती हूँ। सो दो पैकेट अभी के लिए, मैंने वैसे इनको बोला है ये नीचे गए हैं, अगर मिल गया ना तो लेकर के आएंगे। न्यूज़पेपर मैं दाल बंद कर भाग के मैं गई हूँ, भाग भाग के मैं आ गई है ना, तो मैं इसको बिछाई हूँ। एंड एक और अभी मिला है, ये कौन सी पन्नी है फ्लिपकार्ट की, टेप मार दूँ थोड़ा थोड़ा। सो नाउ इट्स डन, अब टाइम है चीज़ों को अरेंज करने का। तो सबसे पहले ना मैं क्या करने वाली हूँ, मैं सूटकेस खोलने वाली हूँ इनका ना, मैं जा रही हूँ कोई सूटकेस खोलूँगी, क्योंकि यहाँ पे तो सारे कपड़े मेरे ही हैं, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग एंड इनका कोई सूटकेस ओपन करती हूँ। हाँ, सो ये देखो सूटकेस में मैं कपड़े निकाल करके ले आई हूँ, एंड अब बारी है इनको अरेंज करने। एंड वहाँ पर क्या था ना कि जो वुलन कपड़े होते थे ना वो 12 महीने बाहर रहते थे, ऐसा कोई नहीं होता था कि एकदम अंदर रख दो अब तो इसकी ज़रूरत है नहीं। जैसे यहाँ पे क्या होगा कि गर्मियों के सीज़न में तो रख दो, कोई भी काम नहीं है, बट वहाँ भी हमेशा ही बाहर रहते थे। ये देखो अभी ना जो सामने सामने मुझे चीज़ें नज़र आ रही थी ना, वो सिर्फ इतनी चीज़ें थी जो कि मुझे सामने से नज़र आ रही थी, लाइक ये सारी चीज़ें ना अपने साथ लेकर के आए थे, 4-5 शर्ट्स पैंट एंड और जो कुछ टी शर्ट्स वगैरह, तो वो तो मेरे सामने की थी जिनको मैंने यहाँ रख दिया। अब मुझे अभी और ढूंढना है कि कौन से सूटकेस में अभी पति देव के हैं कपड़े, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं, कपड़े हाँ मिक्स हो गए हैं। जब नहीं आते थे सूटकेस में तो हम क्या करते कि उसको हम मेरा उनके साथ उनका मेरे साथ हो जाता था, तो बाकी अभी वुलेंस है तो वुलेंस को हम सोचे नीचे ही रखेंगे, क्योंकि अभी ऐसा ही कि पूरा फैब एंड मे बी हाफ मार्च तो पहनना ही पड़ेगा। तो ये तो हो गया एक, मतलब एक जिसको बोलते ना कि हाँ चलो कुछ तो हो गया, वो वाली चीज़ हो गई, कितनी बड़ी आँख पा रही हूँ, तो बस ये चीज़ें दैट से अब आगे देखते हैं क्या कैसे करेंगे। अरे दाल में प्रेशर क्यों नहीं लग रहा है? अभी नया देखो किचन भी कितनी ज़्यादा फैली हुई सी लग रही है, कितना भी समेट रहे हैं ना, बट वो थोड़ा थोड़ा करके मतलब गंदा नहीं है, इसको हम गंदा तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ कुछ कुछ करके फैल ही रही है। देखते हैं अभी इसको भी ठीक करेंगे सब हम। अभी ये देखो हम वहाँ पर थे एंड अब हम आ चुके हैं यहाँ पे इस वाले रूम में, मतलब जो कि हमें सेट करनी है यहाँ पर मेरी कबर्ड, मेरी कवर्ड इन द सेंस की मेरे कपड़े रखने हैं। अब वही मैं ढूंढ रही हूँ, सोच रही हूँ नया कि कहाँ से क्या चीज़ शुरू करूँ, कौन सा सूटकेस पहले खोलूँ, तो चलो स्टार्ट कर ही लेते हैं। अब ये नहीं, हम लाते हैं पहले जिसमें मुझे कपड़े हैंग करने वाले हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ना मैं क्या करती हूँ, कभी कभी तो ना जैसे होता है ना कि मैं काम फैला लूँगी एंड फिर उसके बाद परेशान हो जाऊँगी, तो सब कुछ ऐसे ही छोड़ दूँगी पति देर के लिए, अब वो आए हैं तो कुछ करेंगे, लेकिन आज ना नहीं, मैं सोच रही हूँ ना यार कि कर ही लूँ, अदरवाइज कितना ज़्यादा काम होगा बाद में हमें पता है ना। सो हम ना यही सोचे कि पहले ना मैं हैंगिंग वाला काम कर लेती हूँ, फिर तो सारे के सारे ना बस फोल्ड कर कर
सो ये देखो यहाँ पे ना मैं सारी चीज़ों को एक एक करके अरेंज कर रही थी, कपड़ों को रख रही थी एंड काफ़ी टाइम से मैं वॉइस ओवर नहीं कर रही थी। पता है वॉइस ओवर नहीं करूँ ना तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा सी लेंदी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं अपने जो वेस्टर्न वियर मीन जो वन पीस है उनको एक साइड कैटेगराइज कर रही थी एंड थोड़ा सा मतलब अपने हिसाब से कपड़ों को कैटेगराइज करो तो हमें ना जब पहनना होता है तो काफ़ी ज़्यादा ना हमारे लिए ईजी हो जाता है। एंड ये जो भी ना आज मेरा लुक है ना, ये मेरा एकदम ओरिजिनल लुक है, मतलब असली चेहरा बोल सकते हो, कोई मेकअप नहीं है मेरे फेस पे आज। मैं ना हमेशा ऐसा रहना भी नहीं चाहती ना कि हर वक्त ऐसे मेकअप में आ, कभी कभी ना अपनी ओरिजिनलिटी भी ख़त्म नहीं करनी चाहिए। तो मेरे साथ वही है, मैं चीज़ों को इसीलिए एक एक करके रख रही थी और विदाउट एनी मेकअप, क्योंकि मैं नहा करके आई थी एंड बस फटाफट से ना सारी चीज़ों को मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो अब ये देखो जब ऊपर हो गया तो, और पता है मेरी एक आदत है ना कि मुझे कबर्ड में ठूसना नहीं अच्छा लगता है कि कबर्ड को ठूस दो, कपड़ों को मैं हमेशा डिवाइड करके रखती हूँ इस कबर्ड से उस कबर्ड में यार, क्योंकि अगर कपड़े ठूसे हुए होते हैं ना तो मुझे नहीं पसंद आता है। तो मैं फोल्ड करके स्पेस बना बना करके चीज़ों को यहाँ पे रख रही थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ ना कि कितनी सारी चीज़ें अरेंज हो चुकी हैं। ये देखो ऊपर तो अभी एक सूटकेस खाली डाल दिया है मैंने, कुछ कुछ जो जो कपड़े मिल रहे थे ना मुझे, जैसे जैसे जहाँ जहाँ पे मिल रहे थे उनको मैं लगाती गई हूँ, कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ नीचे, सॉरी हाँ सो कुछ ये यहाँ पे सारी चीज़ें करके मैं लगाती गई हूँ। एक ना पता है ये मैं अपने कबर्ड में रखती हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा ही आपके लिए हेल्पफुल होगा, लाइक इफ़ यू आर गर्ल्स ना, इफ़ यू आर गर्ल, तो ये यहाँ पे जो भी आपकी पर्सनल चीज़ें होती हैं मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट। सो इसमें क्या है ना कि ऐसे दो पार्ट्स होते हैं, तो लाइक आपको इसमें जो जो चीज़ें अपनी रखनी हो, जैसे यहाँ पे मैंने अपने सॉक्स डाल दिए, यहाँ पे अपनी हैंकीज, यहाँ पे मास्क एंड यहाँ पे ऑल्सो ना कुछ अंडर गारमेंट्स करके आप रख सकते हो। उसके बाद ना ये पूरा जिप से आप इसको बंद कर लो तो आराम से आपकी चीज़ें इधर उधर नहीं होने वाली। तो मैं इसको शादी के टाइम मैंने लिया था, तब से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ एंड इधर ये मैंने अपने कुछ कपड़े वगैरह लगा दिए हैं। सो अब मैं इसको कर देती हूँ बंद एंड इधर की भी थोड़ी सी कंडीशन दिखा दूँ, आप लोग देख लो। हाय ये मेरा, मतलब हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि ये मेरे रहते हुए ऐसा हुआ है, बट यार क्या ही तो कर सकते हैं, ऑप्शन नहीं है। एंड इसके बाद मैं इधर आ गई हूँ तो ये देखो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेट है। अब मैं जा रही हूँ कुछ यहाँ पर नीचे अब अभी के और भी कपड़े रखने। एंड अगेन वो जो वीडियो अभी आप देख रहे हो, मतलब अभी इससे पहले जो मैं आपसे बातें कर रही हूँ, वो स्टार्टिंग थी नोएडा से एंड इसकी भी एंडिंग हो रही है यहाँ दिल्ली से, क्योंकि हम आ गए थे कल ही, हाँ कल हम मॉर्निंग में आ गए थे दिल्ली, तो हम अभी ना यहाँ दिल्ली में हैं और इसकी एंडिंग करेंगे हम यहाँ पे। मीन्स बस एंडिंग करने के लिए मैंने ये क्लिप बनाने स्टार्ट किया, जब मैं एडिट कर रही थी तो मैंने देखा रहे यार मैंने बाय बाय तो आप लोग को बोला ही नहीं, तो जस्ट मैं इसकी एंडिंग करने के लिए बैठी हुई हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइएगा एंड आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी और वीडियोज़ मैं लेकर के आती रहूँगी, अब बहुत अच्छी अच्छी सी ब्लॉग्स एंड वीडियोज़ आपको मिलने वाले हैं। सो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलो मिलते हैं आप सबने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए एंड बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।